Now, finally, we are here. तो ये कहानी यहाँ खत्म होती है। ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? 23 फरवरी 2020 से, जिस दिन हम लोग अपने परमानेंट प्लेस से कहीं और शिफ्ट हुए, और जिस दिन और जिस जगह हम लोग शिफ्ट हुए, उसी दिन उसी जगह पर लड़ाई, दंगे, फसाद, हिंदू मुस्लिम। तो व्हाट इज़, क्या कह रहे हो लड़के? ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, वी डिसाइडेड कि मैं और मेरी फैमिली ने ये सोचा कि हम लोग सारा सामान यहाँ छोड़कर अपने परमानेंट प्लेस पर वापस चले जाएंगे। परमानेंट प्लेस वहीं पर जहाँ हम लोग पहले रहते थे। सेफली हम लोग वहाँ पहुँच भी गए। जब 5-6 दिन बाद सब कुछ ठीक हुआ, तो हम लोगों ने अगेन सोचा कि हम लोग फिर वापस जाएंगे उसी जगह पर जहाँ हम लोग शिफ्ट हुए थे, क्योंकि सारा सामान तो वहीं पर है, जाना पड़ेगा, ना चाह कर भी गए। आफ्टर रीचिंग देयर, 4 से 5 दिन बाद कोरोना वायरस इज हियर। कोरोना वायरस, लॉकडाउन, लॉकडाउन, कोरोना वायरस। तो व्हाट इज़, क्या कह रहे हो लड़के? वो वाली कहावत सुनी आप लोगों ने कि जब नसीब ख़राब हो तो ऊँट पे बैठे बौने आदमी को कुत्ता काट लेता है? तो वही वाला सीन चल रहा है यार। ये चेहरे पर हंसी है, लेकिन दिल के अंदर जो पत्थर टूट रहे हैं ना, कैसे बयां करें समझ नहीं आ रहा। तो अब हम लोगों ने ये सोचा है फिर से कि हम इस बार सामान के साथ जाएंगे लीगली। लीगली मतलब पास इशू करके लॉकडाउन में हम लोग अगेन उस प्लेस पर वापस जाएंगे जहां हम लोग परमानेंट रहते थे। तो अब आप लोग पूरी कहानी समझ गए। अगर अब मैं बोलूं कि आज का सीन कुछ ऐसा है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि शेजू भाई कैसा सीन है यार। तो ऑल राइट, सो हे वो सब, दिस इज मी शेजू खान, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल विद वन मोर न्यू वीडियो। तो आज का सीन कुछ ऐसा है। मेहनत मुशक्कत के साथ पैकिंग चल रही है और शोर शराबा पूरा, और मुझे नहीं पता मैं ये ब्लॉग क्या बना रहा हूँ क्या नहीं। बस आई जस्ट वेंटिंग माई मेमोरी इन दिस कैमरा, और इस कहानी को मैं बताऊँगा अपने तरीके से। पैकिंग कर लेते हैं अब। शिफ्टिंग करते करते पसीने छूट रहे हैं यार, आसान नहीं है घर की शिफ्टिंग। सारा सामान पहुंच चुका है। सारा सामान पहुंचने के बाद बचा सिर्फ मेरा कैमरा और मेरा इक्विपमेंट। और मैंने अपने घर वालों से पहले बोल दिया था कि मेरी अमानत को कोई हाथ ना लगाए, मैं उसे खुद अपनी हिफाजत से लेकर जाऊंगा। तो मैं अब अपना कैमरा और अपना इक्विपमेंट ले लूँगा। अभी ये सामान चाचू के घर पर पहुंच रहा है, फिर चाचू के घर से अपने घर जाएगा। घर ऑलमोस्ट शिफ्ट हो चुका है। और दूसरी बात ये कि ये कमरा आपको व्लॉग्स में दोबारा देखने को ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। तो एक चीज़ होती है कि हमने इस कमरे में व्लॉग किया है, कोई ख़ास यादें हैं तो नहीं इस कमरे से वैसे, लेकिन ये कमरा हमारे व्लॉग्स में आ चुका है। तो वो वाली बात तुम्हारे भाई के दिल को छू रही है। अब इमोशनल हो जाता हूँ थोड़ा। अगर आप इमोशनल हो गए हों तो घर चलें।
ये सब ओवरएक्टिंग और फॉर्मेलिटी है क्योंकि शिफ्टिंग कल ही हो चुकी है, तो 50 रुपये कट होना तो बनते हैं शेजू भाई तुम्हारे। ओवर एक्टिंग के 50। तो मैं और मेरा रूम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। और दूसरी बात ये कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना रूम थोड़ा सा डेकोरेट करूँ, क्योंकि रूम इतना ख़ास है नहीं जो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाया जाए। वो बात अलग है कि मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता नहीं हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला 21 डेज़ तक रैप वीडियोज़ आएंगी, नहीं आई। मैंने बोला मैं डेली ब्लॉगिंग करूँगा, मैंने नहीं की। लेकिन मैं डेली ब्लॉगिंग करता, इस लॉकडाउन की वजह से नहीं कर पा रहा। लेकिन हम रूम डेकोरेट करेंगे, अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद। तो बस यही थी मेरी एक छोटी सी शिफ्टिंग स्टोरी, और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो और ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरी और वीडियो पसंद आई है और व्लॉग साथ में पसंद आया है, तो आई होप लाइक दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बम कंटेंट के साथ। जाने से पहले एक बात, मैं बहुत खुश हूँ और ये व्लॉग शूट करने में मुझे 4 से 5 दिन लग गए। शाबाश।